Dear students, welcome again in the lecture series on chemical bonding. Okay, तो प्यारे बच्चों आपका स्वागत है केमिकल बॉन्डिंग की इस लेक्चर सीरीज में वेयर वी विल डिस्कस अबाउट द स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड बॉन्डिंग इन मेन ग्रुप कंपाउंड्स एंड स्पेशली वी विल डिस्कस अबाउट द पी पाई डी पाई और डी पाई पी पाई बॉन्ड्स. Okay. तो इस लेक्चर में हम जो उसकी सब सीरीज है वो है स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड बॉन्डिंग इन मेन ग्रुप कंपाउंड्स, जहां पर हम डी पाई और पी पाई बॉन्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे. डी पाई पी पाई बॉन्ड को डिस्कस करने से पहले वी विल डिस्कस अबाउट दी पी पाई पी पाई बॉन्ड. तो उससे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, पी पाई बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे. वट इज पी पाई डी पी पाई बॉन्ड, पी पाई बॉन्ड क्या है, पी पाई बॉन्ड्स क्या है. पी पाई बॉन्ड्स को अगर हम देखेंगे तो क्या होता है, जो लाइटर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, लाइटर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स लाइक कार्बन एंड नाइट्रोजन, ये क्या करते हैं, ये क्या बना सकते हैं, पाई बॉन्ड बना सकते हैं. या तो ये ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड बना सकते हैं या फिर ये अपने आप अपने एलिमेंट के साथ भी ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं. जैसे कार्बन कार्बन कर सकता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन कर सकता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कर सकता है. तो इनके बीच में डबल बॉन्ड मे बी देयर. ओके, तो यहां पर हम कुछ एग्जाम्पल और इंक्लूड कर सकते हैं और वो एग्जाम्पल्स हो सकते हैं ऑक्सीजन नाइट्रोजन और कार्बन के डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स. ओके, तो यहां पर क्या होता है, इनके बीच में जो जो पाई बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, वो होता है पी पाई बॉन्ड. क्यों होता है, क्योंकि जो सेंट्रल एटम है उसका पी ऑर्बिटल और जो सराउंडिंग एटम है उसका पी ऑर्बिटल साइडवेज ओवरलैपिंग करते हैं और साइडवेज ओवरलैपिंग से क्या बनेगा, पाई बॉन्ड. तो क्या होगा, ये पी ऑर्बिटल है और ये भी पी ऑर्बिटल है, दोनों पी ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं, साइडवेज ओवरलैपिंग, माइनस माइनस ओवरलैपिंग, पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैपिंग. तो यहां से जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा, पाई बॉन्ड. इसलिए इसका नाम क्या है, पी पाई बॉन्ड, क्योंकि पी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना रहे हैं. तो इसलिए इस तरीके की बॉन्डिंग क्या कहलाती है, पी पाई बॉन्डिंग, जिसे हम एग्जाम्पल की हेल्प से वन बाई वन वी विल डिस्कस दी बॉन्डिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड, this nitrate ion and nitrate ion. We will see the bonding in carbon dioxide. अब हम कार्बन डाइऑक्साइड में बॉन्डिंग देखेंगे और आप जानते हैं कि जो कार्बन है कार्बन डाइऑक्साइड में ये सेंट्रल एटम की तरह एक्ट करता है और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो है 2s2p2 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, नाउ इफ वी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, अब हम किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे बच्चों, ऑक्सीजन का, क्योंकि इसके साथ दो ऑक्सीजन अटैच्ड है तो ये एक ऑक्सीजन एटम है, इसका कन्फिग्रेशन होगा 2s2 2p4. दूसरा ऑक्सीजन एटम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी होगा 2s2p4. ओके, तो इस तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, 2s2p4 एक ऑक्सीजन एटम है. अब आप देखिए ये जो ऑक्सीजन एटम है इसके पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. सो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विद द सराउंडिंग एटम्स आर 4. कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4. ओके, अब यहां पर देखिए आप कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन को देखिए, कार्बन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2, केवल 2 है. तो इसलिए बॉन्डिंग के लिए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4. तो क्या होगा कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इट विल अनपेयर और यहां पर ये पी ऑर्बिटल में चला जाएगा. अब क्या हुए, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास है और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम्स के पास है जो कि सराउंडिंग एटम है. ये देखना होगा कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन है इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स में से कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड बनेंगे. तो इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, जहां पर मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन इन मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में बताया है. तो वहां पे बताया था आपको कि पहला बॉन्ड सिग्मा बनेगा और दूसरा बॉन्ड कैसा बनेगा, पाई बनेगा. ओके, तो ये जो बॉन्ड है, ये जो ऑर्बिटल है ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और ये जो ऑर्बिटल है ये पाई बॉन्ड बनाएगा. इसी तरीके से
से इस ऑक्सीजन एटम का भी ये जो ऑर्बिटल है ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये ऑर्बिटल क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो कार्बन है इसके दो ऑर्बिटल को छोड़ देंगे, ये अनहाइब्रिडाइज रहेंगे बिकॉज दे आर यूटिलाइजिंग द साइड वेज ओवरलैपिंग विद द 2p ऑर्बिटल्स ऑफ द ऑक्सीजन। इनको हम छोड़ देंगे क्योंकि ये क्या बनाने वाले, पाई बॉन्ड। तो क्या होगा कि जो सेंट्रल एटम होगा इसके दो ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होंगे, मिक्स होंगे एंड 2sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। और ये जो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ये एक सिग्मा बॉन्ड ऑक्सीजन के 2p के साथ और ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड ऑक्सीजन के 2p के साथ बनाएगा। अब देखिए दो सिग्मा बॉन्ड बन गए हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या बनाने वाला है, पाई बॉन्ड बनाने वाला है। तो ये किसके साथ पाई बॉन्ड बनाएगा, ये देखिए इसके पी ऑर्बिटल के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा और ये इसके साथ साइडवेज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कार्बन का पी ये कौन सा ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल, और ऑक्सीजन का कौन सा ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल। तो पी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल जब साइडवेज ओवरलैपिंग करेंगे तो किस तरीके की बॉन्डिंग होगी, पी पाई बॉन्डिंग। ओके, और इसी तरीके से आप देखिए दूसरा जो ऑर्बिटल है वो भी पी ऑर्बिटल है और ये ऑक्सीजन के 2p ऑर्बिटल के साथ साइडवेज ओवरलैपिंग करेगा, सो अगेन इट विल फॉर्म पी पाई बॉन्ड। सो देयर आर 2 पी पाई बॉन्ड्स इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में 2 पी पाई बॉन्ड होंगे। अगर हम देखें नाइट्राइट आयन का, जहां पर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 2s2 और 2p3, क्या कन्फिग्रेशन है बच्चों, 2s2p3 कन्फिग्रेशन इसका है, ये नाइट्रोजन है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अनपेयरिंग नहीं हो सकती बिकॉज इट इज नॉट हैविंग द डी ऑर्बिटल, यहाँ पर डी ऑर्बिटल नहीं है। अब इसके साथ कितने ऑक्सीजन जुड़े हैं, दो ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, दो ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन कैसी होगी बच्चों, नेगेटिव होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, तो यहाँ पर केवल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, दूसरी जो ऑक्सीजन है वहां पर क्या होगा, ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि ये ऑक्सीजन एटम है, तो यहाँ पर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन। ओके, तो ये 2s है, ये 2p है ऑक्सीजन का, ये 2s है और ये 2p है ऑक्सीजन का। अब आप देखिए जो सराउंडिंग एटम्स हैं, इट इज कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1, 2 and 3, सो इट इज हैविंग 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड सेंट्रल एटम इज ऑल्सो हैविंग द 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब आसानी से बॉन्डिंग हो सकती है, लेकिन पहले हमें यह देखना है कि कितने पाई बॉन्ड बनने वाले हैं। जो पहला बॉन्ड जो होगा वो सिग्मा होगा, दूसरा होगा पाई, तो एक पाई बनेगा, इसलिए एक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सो 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सो इट विल फॉर्म 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, सॉरी 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। इसमें से एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और जो एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है इट विल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड विद द 2p ऑर्बिटल ऑफ O- एंड अदर विल फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड विद द 2p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, एंड देन द रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म द पाई बॉन्डिंग विद द 2p ऑर्बिटल। तो आप देख सकते हैं कि ये p ऑर्बिटल नाइट्रोजन का है और ये p ऑर्बिटल किसका है, दिस इज ऑफ ऑक्सीजन। तो जो ओवरलैपिंग हो रही है साइडवेज वो पी और पी के बीच में हो रही है। सो दिस काइंड ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज पी पाई बॉन्डिंग। तो ये कैसी बॉन्डिंग है बच्चों, ये पी पाई बॉन्डिंग है। एग्जाम्पल हम देखेंगे नाइट्रेट आयन का। तो नाइट्रेट आयन को अगर आप देखेंगे तो यहां पर देखिए अगेन जो नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या है, 2s2p3। तो ये क्या है, 2s2p3, और यहां पर आप देख सकते हैं देर आर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं देखिए ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन का मतलब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 6, क्यों, क्योंकि एक ऑक्सीजन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, और इनमें से एक ऑक्सीजन कैसी है बच्चों, माइनस है। तो अगर एक ऑक्सीजन माइनस है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा, तो मैं केवल इनकी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो कर रही हूं आपको। तो ये ऑक्सीजन नेगेटिव है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसमें केवल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, और ये वो ऑक्सीजन है जिसमें कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको दिखा दिया है। अब देखिए टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग एटम के पास
पास कितने हैं? देर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन जो सेंट्रल एटम है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? केवल 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो बॉन्डिंग कैसे होगी? तो इसके लिए क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन है एक, ये क्या करेगा, अपने इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बच्चों, इसको पेयर कर देगा. ओके, तो जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर अनपेयर था वो क्या हो जाएगा, उसकी पेयरिंग हो जाएगी. तो ये इस इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी. तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन एटम है इसके पास यहाँ भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक पी ऑर्बिटल क्या है खाली है, ये पी ऑर्बिटल खाली है. तो बॉन्डिंग किस तरीके से हो सकती है, देखिए 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ सराउंडिंग एटम के पास है, 3 सेंट्रल एटम के पास है, और ये जो खाली ऑर्बिटल है यहाँ पर, ये जो ऑर्बिटल है यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करके ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है. तो अब देखिए ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो एक पाई बनाएगा और एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा. कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, क्योंकि एक पाई बॉन्ड बनेगा, ये पाई बॉन्ड बनाएगा, तो एक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज रहेगा. सो द 3 ऑर्बिटल विल मिक्स एंड दे विल फॉर्म 3sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स. इनमें से एक में तो है देखिए इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है. ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा. और ये जो एक इलेक्ट्रॉन रह गया है ये इसके साथ जो 2p ऑर्बिटल, ये क्या है 2p ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन है ये, तो इसके साथ क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा. अब देखिए ये पी ऑर्बिटल ये किसका है, नाइट्रोजन का, और ये जो पी ऑर्बिटल है किसका है, ऑक्सीजन का. तो यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है वो किसके बीच में बन रहा है, पी और पी के बीच में पाई बॉन्ड बन रहा है, इसलिए यहाँ पर एक क्या होगा, पी पाई बॉन्ड होगा. ओके, पी ऑफ नाइट्रोजन एंड पी ऑफ ऑक्सीजन, इस बॉन्ड को हम कह रहे हैं पी पाई बॉन्ड. डिस्कस अबाउट दी डी पाई पी पाई बॉन्ड. अब हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, डी पाई पी पाई बॉन्ड के बारे में. और डी पाई पी पाई बॉन्ड कहाँ पर बनता है, जो हैवियर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं. हैवियर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं यहाँ पर बहुत कम यहाँ पर बॉन्डिंग होती है पाई बॉन्ड. ओके, लेकिन ये क्या करते हैं, विद लाइटर एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन दे कैन फॉर्म दी पाई बॉन्ड. तो ये जो हैवियर एलिमेंट होते हैं इनके कौन से ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल्स, और जो लाइटर एलिमेंट होते हैं उनके कौन से ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल. तो हैवियर के डी ऑर्बिटल और लाइटर के पी ऑर्बिटल मिलके किस तरीके का बॉन्ड बनाते हैं, डी पाई पी पाई बॉन्ड. और ये जो बॉन्ड बनता है इस बॉन्ड में जो डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं वो है डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. तो ये जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर ऑफ हैवियर एलिमेंट हैं, ये क्या करते हैं, इनकी सिमेट्री मैच करती है पी ऑर्बिटल ऑफ लाइटर एलिमेंट के साथ. तो ये क्या फॉर्म करते हैं, डी पाई पी पाई बॉन्ड. हम देखेंगे किस तरीके से करते हैं, ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर डी पाई पी पाई बॉन्डिंग देखने को मिलती है. इसके अलावा कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, और इनमें से कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बॉन्डिंग के दिखाते हुए आपको दिखाऊंगी. डायग्राम से हमें पता चलेगा कि डी पाई पी पाई बॉन्ड है क्या. देखिए ये जो पी ऑर्बिटल है ये एक लाइटर एलिमेंट का है और ये एक डी ऑर्बिटल, वी कैन से इट इज डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. हम इसे क्या कह सकते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. ये हैवियर एलिमेंट का है और ये जो पी ऑर्बिटल है लाइटर एलिमेंट का है. तो आप देख सकते हैं कि साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है, ये माइनस माइनस ओवरलैपिंग, ये प्लस प्लस ओवरलैपिंग. तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये तो है पी ऑर्बिटल जो कि पाई बॉन्ड बनाने वाला है, और ये जो ऑर्बिटल है डी ऑर्बिटल है जो कि पाई बॉन्ड बनाने वाला है. तो इस तरीके की बॉन्डिंग को हमने क्या कहा, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, जो कि एक पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल के बीच में होती है. डी ऑर्बिटल जो कि हैवियर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट का होगा और जो पी ऑर्बिटल है वो लाइटर एलिमेंट का होगा.
इस डायग्राम से आपको ये बताने वाली हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से एक डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जो पी ऑर्बिटल होते हैं लाइटर एलिमेंट्स के, उनके बीच में किस तरीके से साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, किस तरीके से वो सिमेट्री मैच होती है। तो ये जो सेंटर में आपको ऑर्बिटल दिखाया है, जैसे ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, और अगर मैं एक इसकी बात कर रही हूँ ए बी फोर टाइप मॉलिक्यूल की, ए बी फोर टाइप मॉलिक्यूल जहाँ पर ए जो है वो हैवियर एलिमेंट है और पी क्या है लाइटर एलिमेंट, तो हैवियर एलिमेंट के डी ऑर्बिटल और लाइटर एलिमेंट के पी ऑर्बिटल। होता क्या है, जब हम बड़े मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो ये जो बड़े मॉलिक्यूल है यानी ए बी फोर टाइप मॉलिक्यूल जहां पर एटम्स का नंबर अधिक है, तो यहां पर क्या होता है जो सराउंडिंग एटम्स होते हैं ये पहले कंबाइन होते हैं, ये क्या बनाते हैं एल जी ओज, इनको क्या कहते हैं हम लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल। तो इनके यानी एक अगर हम बी देखेंगे तो एक बी के पास कितने पी ऑर्बिटल होंगे जो कि पाई बॉन्ड बना सकते हैं एक ऑर्बिटल, तो फोर बी के पास कितने ऑर्बिटल होंगे फोर पी ऑर्बिटल्स। ये जो फोर पी ऑर्बिटल्स हैं ये क्या करेंगे पागल टाइप का, चार पी ऑर्बिटल होते हैं ये क्या करेंगे ये आपस में लीनियरली कंबाइन होकर लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल बनाएंगे, और ये लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स की जो सिमिट्री है इसकी मैचिंग होती है, तो जो जो सेंट्रल एटम है उसकी मैचिंग जिस एलजीओ के साथ होगी वहां पर ये क्या बना लेगा बॉन्ड बना लेगा डी पाई पी पाई। देखिए ये जो ऑर्बिटल है वो डी ऑर्बिटल है और ये जो एलजीओस है ये पी ऑर्बिटल के हैं। ऐसे ही यहाँ पर जो आपको दिखाया गया ये डी जेड स्क्वायर है और ये क्या है पी ऑर्बिटल्स हैं। ओके, तो अब आप देखिए इसमें साइडवेज ओवरलैपिंग कैसे हो रही है। देखिए ये पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैप, अगर हम इसको देखेंगे सॉरी एक्सक्यूज मी दिस इज नॉट ये नहीं है बॉन्डिंग, क्या है एक्चुअली बॉन्डिंग है बच्चों, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ बॉन्डिंग होगी डी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के बीच में। ओके, तो ये देखिए ये साइडवेज ओवरलैपिंग, ये साइडवेज ओवरलैपिंग है, दिस इज द साइडवेज ओवरलैपिंग, प्लस प्लस ओवरलैप माइनस माइनस ओवरलैप, ये देखिए इस तरीके से आप देखेंगे ये प्लस प्लस ओवरलैपिंग होगी माइनस माइनस ओवरलैपिंग होगी। यहीं पर आप इसी तरीके से आप देख सकते हैं अगर डी जेड स्क्वायर है ये ए एटम का, तो देखिए किस तरीके से, देखिए प्लस प्लस ओवरलैपिंग प्लस प्लस, ये साइडवेज ओवरलैपिंग है, ये देखिए माइनस 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 माइनस, दिस इज माइनस माइनस प्लस प्लस एंड प्लस प्लस एंड माइनस माइनस। तो इस तरीके से क्या होती है साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, जिसे मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूं बच्चों, ये देखिए ये है एक ऑर्बिटल, यानी इसको मैं कह रही हूँ डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये मेटल का जो हैवियर एलिमेंट है उसका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल है। ओके, अब इस डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल को अगर मैं दिखाऊं इसका एक पॉजिटिव पार्ट में दिखा दूं, ओके, और इसके ये जो पॉजिटिव पार्ट मैंने ग्रीन से दिखाए और जो ब्लैंक है वो क्या है नेगेटिव पार्ट्स। ओके, अब इसके साथ जो एलजीओस होंगे वो देखिए, ये एलजीओस मैं अगर दिखाना चाहूं तो ये एलजीओस इस तरीके से अरेंज होंगे कि आप देखिए ये जो डी ऑर्बिटल के लोब है इसके पैरेलल में ऑर्बिटल आएंगे, देखिए ये डी ऑर्बिटल के लोब है इसके पैरेलल में ये ऑर्बिटल आएगा, ये देखिए ये पी ऑर्बिटल, ये एक ऐसा एलजीओ है चारों को मिला के कि ये इसके साथ सिमेट्री मैचिंग करता है। अब और मैचिंग कैसे होगी, जब इनकी जो पॉजिटिव लोब है, देखिए इसका पॉजिटिव लोब इसके पॉजिटिव लोब की ओर होगा। ओके, अब देखिए इसकी नेगेटिव नेगेटिव ओवरलैपिंग होगी, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव ओवरलैपिंग होगी, इसको क्या होना है पॉजिटिव लोब ताकि पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो पाए, इस लोब को भी कैसा होना है पॉजिटिव ताकि पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो पाए, ये पॉजिटिव नेगेटिव ओवरलैपिंग सॉरी नेगेटिव नेगेटिव देन नेगेटिव नेगेटिव, और ये जो ओवरलैपिंग है क्या होगी पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैपिंग। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं सिमेट्री मैचिंग है, और ये जो एलजीओ है ये सेंट्रल यानी ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर किसका है ए का, और ये जो एलजीओ है वो किसका है ये बी का ऑर्बिटल है, ये कंबाइन करके क्या बना रहे हैं ये डी ऑर्बिटल है ये पी ऑर्बिटल है, सो दे विल फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्ड। ओके, अब मैं अगर एग्जांपल लूं डी जेड स्क्वायर का, तो अगर ये डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है जिसको हम इस तरीके से शो करते हैं, और इस डी जेड स्क्वायर के जो लोब्स हैं वो मैंने देखिए रेड से दिखा लिए, ये जो लोब्स हैं ये क्या है पॉजिटिव लोब्स हैं। ओके, अब मैं इसमें ये जो एलजीओ है ये मैं दिखाना चाह रही हूँ। ओके, तो एलजीओ दिखाने के लिए आप किसके पैरेलल लेंगे ये लोब और इसके पैरेलल हम ऑर्बिटल्स को दिखाएंगे दिखाएंगे ये देखिए इस तरीके से लोब अरेंज अगर हम कर देंगे
तो ये देखिए, ये वो एलजीओ है जो कि सिमेट्री मैचिंग करता है इस डीजेड स्क्वायर के साथ। ये डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल है किसका, ए का, ओके। और ये जो है दिस इज एलजीओ, एलजीओ ऑफ बी, ओके, बी का एलजीओ है। अगर मैं ए बी फोर, ये भी मैं किसकी बात कर रही हूँ, ए बी फोर मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ। अब हमें पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैप देखना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इस लोब को दिखाएंगे। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैप देखिए, पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैप, ये पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैप देखिए, और ये जो है नेगेटिव नेगेटिव ओवरलैप है। अब इसमें जो है ये नेगेटिव ओवरलैप, ये पॉजिटिव होना चाहिए लोग, तब ये देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैप होगा, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैप, और ये नेगेटिव नेगेटिव ओवरलैप। तो इस तरीके से हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग बिटवीन डी जेड स्क्वायर एंड दी एल जी ओस ऑफ बी एटम, या फिर हम कर सकते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड दी एल जी ओस ऑफ दी बी एटम, ओके। नाउ आई विल गिव यू सम एग्जाम्पल्स where we will find how much d pi p pi bonds are there and how we can draw the d pi p pi bonding in the molecules having the central metal atom of heavier atoms, okay. ये वो एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको ऑलरेडी हाइब्रिडाइजेशन में बता चुकी हूँ, ओके। बट यहाँ पर जो प्रोस्पेक्ट मैंने लिया है वो लिया है डी पाई पी पाई बॉन्ड्स का। तो इसमें जो पहला एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, बहुत मैं डिटेल में इसमें नहीं जाऊंगी, मैंने पहले से ही ऑर्बिटल्स ड्रॉ किए हैं, और ड्रॉ करने के बाद आई विल शो कि किस तरीके से डी पाई पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो देखिए SO2 है, SO2 में जो S है वो क्या है, एक हैवियर एलिमेंट, ऑक्सीजन है एक लाइटर एलिमेंट। तो जो S है उसका देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या था, 3s2 3p 4। अब आप सराउंडिंग एटम्स में एटम बना लीजिए, ऑक्सीजन और दूसरा ऑक्सीजन, तो ये दो ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो जो यहाँ पर जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ अनपेयर हो जाता है, 3d में। अब आप देखिए कि यहाँ पर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन में, पहला सिग्मा बनाएगा दूसरा पाई बनाएगा, इसी तरीके से ये सिग्मा बनाएगा और ये पाई बनाएगा। तो जो पाई बॉन्ड यानी कितने बन रहे हैं, दो, टू पाई बॉन्ड्स आर देयर। सो दो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे सेंट्रल एटम के, और जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बच्चों, sp2 3sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे, एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, और दूसरे जो जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा इस ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के साथ, और ये दूसरे के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अब जो दो बचे हुए हैं वो क्या करेंगे, वो साइडवेज ओवरलैपिंग करेंगे पी ऑर्बिटल के साथ, और ये ऑक्सीजन की पी ऑर्बिटल के साथ साइडवेज ओवरलैप करेगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर पी पाई और पी पाई बॉन्ड है एक, और एक बॉन्ड कैसा है, डी पाई पी पाई बॉन्ड है। तो इस तरीके से आप देखेंगे SO2 में एक पी पाई है इसके पी ऑर्बिटल और ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल के बीच में, और एक क्या है पी पाई, सॉरी दिस इज डी डी पाई पी पाई बॉन्डिंग। तो एक बॉन्ड कैसा है, डी पाई पी पाई बॉन्ड है। जो है वो है SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये भी हम पहले कर चुके हैं। यहाँ पर भी क्या होगा, देखो बच्चों, थ्री ऑक्सीजन एटम, मतलब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अनपेयर हो जाएंगे। अगर तीन ऑक्सीजन है तो तीन पाई बॉन्ड बनेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जो ऑर्बिटल है ये पाई बॉन्ड बनाएगा, तो तीन ऑर्बिटल को हम छोड़ देंगे, बाकी कितने बचे, तीन ऑर्बिटल, तो ये तीन ऑर्बिटल मिक्स होंगे और क्या बनाएंगे, 3sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये तीन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे ऑक्सीजन के 2p ऑर्बिटल के साथ हेड ऑन ओवरलैपिंग करके इस तरीके से, और जो रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है ये ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाएंगे पी ऑर्बिटल के साथ ऑक्सीजन के। तो इस तरीके से आप देखेंगे तीन पाई बॉन्ड बनेंगे यहाँ पर, लेकिन ये तीन पाई बॉन्ड में से एक जो है, देखिए ये पी ऑर्बिटल है और ये भी पी ऑर्बिटल है, तो ये जो बॉन्ड है ये पी पाई है, जबकि ये बॉन्ड क्या है, डी पाई पी पाई, डी पाई पी पाई। तो इस तरीके से आप देखेंगे SO2 में एक तो क्या होगा पी पाई बॉन्ड, ओके, और दो क्या होंगे, डी पाई पी पाई बॉन्ड्स होंगे। तो ये देख के पता चल रहा है कि ये डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है और इसका पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो बॉन्ड क्या हो गया, डी पाई पी पाई बॉन्ड।
एग्जाम्पल देखेंगे, दैट इज XeO3। देखिए XeO3 में क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स थे सारे पेयर्ड थे, लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन एटम को देखूं तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 ऑक्सीजन है तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, लेकिन इन 3 में से 6 में से 3 क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। तो 3 ऑर्बिटल यहाँ पर हमें छोड़ने हैं, 1, 2, 3। तो जब 3 ऑर्बिटल छूट जाएंगे तो जो बचे हुए 3 ऑर्बिटल हैं वो क्या होंगे, मिक्स होंगे और क्या बनाएंगे, 3sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। तो ये इस ऑक्सीजन के 2p ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये इस ऑक्सीजन के 2p ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बनाएगा और ये इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। और जो बच गए हैं अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल वो क्या करेंगे, साइडवेज ओवरलैपिंग करेंगे और क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड विद दी p ऑर्बिटल ऑफ द ऑक्सीजन एटम। इस तरीके से आप देखेंगे कि एक p पाई बॉन्ड बनेगा। देखिए p ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल के बीच में पाई बॉन्डिंग हो रही है और यहाँ पर d और p के बीच में और d और p के बीच में, सो देयर विल बी 1 p पाई बॉन्ड इन XeO3 एंड 2 d पाई p पाई बॉन्ड्स। ओके, तो 2 जो है वो d पाई p पाई बॉन्ड्स इसमें बनेंगे। एग्जाम्पल हम देख रहे हैं XeO2F2 का और यहाँ पर क्या है, अगेन बच्चों देखिए 2 ऑक्सीजन मतलब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2F2 मतलब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो कितने टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, अनपेयर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड बनने वाले हैं, देखिए ऑक्सीजन में एक ये है और एक ये, सो देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 पाई बॉन्ड्स। तो 2 ऑर्बिटल छोड़ दीजिए और बाकी जो ऑर्बिटल है वो मिक्स होंगे। मिक्स होने के बाद दे विल फॉर्म 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। इसमें से एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, दूसरा दूसरा ऑक्सीजन के 2p ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बनाएगा, तीसरा फ्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और चौथा फ्लोरीन के साथ 2p ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। और जो बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑर्बिटल हैं, दे विल साइडवेज ओवरलैप टू फॉर्म द पाई बॉन्ड विद द 2p ऑर्बिटल ऑफ द ऑक्सीजन एटम्स। इस तरीके से क्या होगा, देखिए डी पाई पी पाई बॉन्ड साइडवेज ओवरलैपिंग है। तो इस तरीके से आप देखेंगे डी पाई पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। कितने डी पाई पी पाई बनेंगे, 2 d पाई p पाई बॉन्ड्स बनेंगे इन केस ऑफ XeO2F2। पर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है XeOF4। अगेन अब आप पहले सराउंडिंग एटम्स के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लीजिए, ऑक्सीजन के पास 2 और फ्लोरीन के पास 4, सो टोटल 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये 4 फ्लोरीन एटम है और एक क्या है, ऑक्सीजन एटम। 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास भी 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अनपेयर होंगे। लेकिन एक ऑक्सीजन एटम है, सो ओनली 1 पाई बॉन्ड बनने वाला है, इसलिए एक ऑर्बिटल को छोड़ देंगे और ये क्या होगा कि 5 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे और हाइब्रिडाइज होने के बाद दे विल फॉर्म sp3d हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। कितने बनेंगे, 5। तो एक sp3d हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, दूसरा फ्लोरीन के साथ बनाएगा, तीसरा फिर फ्लोरीन के साथ बनाएगा, चौथा फिर फ्लोरीन के साथ बनाएगा और पांचवा भी क्या बनाएगा, फ्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। और जो एक ऑर्बिटल बचा हुआ है वो इस ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड बनाने वाला है। तो ये देखिए ये डी ऑर्बिटल है और ये कैसा ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल। तो डी और पी ऑर्बिटल जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसकी वजह से देयर इज 1 d पाई p पाई बॉन्ड। तो कितने होंगे, 1 देखिए d पाई p पाई बॉन्ड इसमें बनेगा। तो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं सल्फेट आयन का और इसको मैं बहुत सिंपल वे में आपको समझाने वाली हूँ। यहाँ पर आप देखिए कि ये सल्फर जो है, सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3s2p4। ओके, अब यहाँ पर ऑक्सीजन एटम कितने हैं, अगर मैं देखूं 4 हैं, 4 में से 2 पर नेगेटिव चार्ज है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एक ऑक्सीजन है और दूसरा ऑक्सीजन है। तो जिस पर नेगेटिव चार्ज है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा उसके 2p ऑर्बिटल में, जिस पर नेगेटिव चार्ज है उसके 2p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होगा अनपेयर्ड,
और इन ऑक्सीजन में दो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे 2p ऑर्बिटल में। तो यहाँ पर मैं केवल आपको क्या दिखा रही हूँ, केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखा रही हूँ और बाकी इलेक्ट्रॉन सिस्टम मैंने नहीं दिखाया। तो सराउंडिंग एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास भी, सल्फर के पास भी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 6। तो क्या होगा कि ये अनपेयर होंगे और अनपेयर होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 3s1 3p3 एंड 3d2। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की अनपेयरिंग होगी। अब आप देखिए दो ऑक्सीजन एटम है तो एक और दो, दो बॉन्ड क्या बनेंगे, पाई बॉन्ड। तो इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ने के बाद जो बचेगा वो ये जो है ये मिक्स होंगे 1s और 3p और ये क्या बनाएंगे, 4sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। और इस तरीके से ये देखिए ऑक्सीजन माइनस के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये पी से जो है वो तीन बॉन्ड यहाँ पर क्रिएट होने वाले हैं। ये देखिए ये तीन बॉन्ड जो है सिग्मा बॉन्ड होंगे, ओके। अब जो दो इलेक्ट्रॉन कहाँ बच गए हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं डी ऑर्बिटल में, ये ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल के साथ क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, ओके। ये यहाँ पर इस तरीके से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो कितने देखिए, डी और पी, डी और पी, आप खुद करके देखेंगे, मैंने आपको पढ़ाया है इसलिए आई एम शोइंग यू इन शॉर्टकट वे, ओके। सो देयर आर 2d-π-p-π बॉन्ड्स इन सल्फेट आयन। सी द स्ट्रक्चर ऑफ Cl(O)-, ओके। Cl(O)-, को हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो देखिए ऑक्सीजन चार है, चार में से एक ऑक्सीजन कैसी है, नेगेटिव है, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा और तीन ऑक्सीजन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। ये क्या होगा, टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द सराउंडिंग एटम्स आर 7, कितने हो गए, 7। तो यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, अनपेयर हो जाएंगे। तो ये अनपेयर होके कहाँ चला जाएगा, यहाँ, और ये अनपेयर होके कहाँ चला जाएगा, यहाँ, और ये अनपेयर होके कहाँ चला जाएगा, यहाँ। तो इस तरीके से 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सीएल के पास है और 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास है, सराउंडिंग एटम के पास है, लेकिन तीन क्या है, ऑक्सीजन एटम। तो एक बॉन्ड, तीन बॉन्ड क्या बनेंगे, पाई बॉन्ड, 1, 2 एंड 3। तो 3 ऑर्बिटल को छोड़ के बाकी तीन और चार ऑर्बिटल के होंगे हाइब्रिडाइज, एस और 3p मिक्स होंगे और मिक्स होने के बाद क्या बनाएंगे, 4sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल क्या करेंगे, ऑक्सीजन माइनस के साथ, ये तीन ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, ओके। और जो तीन जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करेंगे, साइडवेज ओवरलैपिंग करेंगे इस पी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल के साथ क्या करेंगे, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो देखिए डी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल, d pi p pi bond। तो इस तरीके से इसमें कितने होंगे, 3d pi p pi bond का फॉर्मेशन होगा। एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं वो है F3PO। F3PO में आप देखिए सेंट्रल एटम क्या है, फॉस्फोरस, और जो इसके सराउंडिंग एटम है वो तीन फ्लोरीन है, 1, 2, 3 एंड एक ऑक्सीजन एटम है। तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चों, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, दो ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन में एक क्या बनेगा, पाई बॉन्ड, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ अनपेयर्ड है तो यहाँ पर भी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अनपेयर होके यहाँ चला जाएगा, ओके। अब एक क्या बनना है, देखिए पाई बॉन्ड बनना है, तो एक ऑर्बिटल छूटेगा और ये चार ऑर्बिटल मिक्स होंगे और मिक्स होने के बाद दे विल फॉर्म 4sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, जिसमें से एक सिग्मा बॉन्ड ये फ्लोरीन के साथ बनाएगा, दूसरा सिग्मा बॉन्ड दूसरी फ्लोरीन के साथ बनाएगा, तीसरा सिग्मा बॉन्ड तीसरी फ्लोरीन के साथ, और चौथा सिग्मा बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाएगा। और जो जो रेस्ट ऑफ द ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन जहाँ है वो इस ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो ये जो है डी ऑर्बिटल है और ये पी ऑर्बिटल है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पर एक डी पाई पी पाई बॉन्ड बनेगा, कितने बनेंगे, एक बनेगा, क्योंकि यहाँ पर एक डी पाई, एक ही ऑक्सीजन एटम है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड थे, तो एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। आप देखिए एक और एग्जांपल मैं ले रही हूँ NSF3, जहां पर आप देखेंगे कि जो सराउंडिंग एटम्स हैं वो क्या है, फ्लोरीन और नाइट्रोजन, और जो सेंट्रल एटम है वो क्या है, सल्फर है, ओके। तो अब आप देखिए
ये जो सल्फर है, इसे सराउंडिंग एटम को पहले हम देखें, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, थ्री नाइट्रोजन के पास, वन टू थ्री, थ्री फ्लोरिन के पास, तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सिक्स। तो पहले सारे अनपेयर हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स जो सल्फर के हैं, देखिए डी ऑर्बिटल में चले जाएंगे, तो ये अनपेयरिंग के बाद यहां पर भी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, सिक्स, और जो सराउंडिंग एटम है वहां पर भी सिक्स इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखिए जो फ्लोरीन है वो तो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन नाइट्रोजन का पहला बॉन्ड सिग्मा बनेगा, दो बॉन्ड क्या बनेंगे, पाई बॉन्ड बनने वाले हैं, तो दो पाई बॉन्ड बनेंगे, इसलिए दो ऑर्बिटल को छोड़ के बाकी जो ऑर्बिटल्स हैं दे विल हाइब्रिडाइज। तो ये ऑर्बिटल्स क्या होंगे, हाइब्रिडाइज होंगे। अगेन हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, जो फोर sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे, और ये जो 4sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे ये सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा इस नाइट्रोजन के साथ, ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा फ्लोरीन के साथ, ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा फ्लोरीन के साथ, और ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तीसरी फ्लोरीन के साथ, और उसके बाद जो दो ऑर्बिटल्स हैं वो क्या बनाएंगे, दे विल फॉर्म पाई बॉन्ड विद दिस नाइट्रोजन एटम, ये इस नाइट्रोजन के साथ क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है, देखिए डी और ऑर्बिटल और इसका पी ऑर्बिटल, ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ किस तरीके से ये डी पाई पी पाई बॉन्ड बना रहा है। तो सल्फर नाइट्रोजन के साथ डी पाई पी पाई बॉन्ड बना रहा है, कितने बना रहा है, टू, टू क्या बनेंगे, डी पाई पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, हम आसानी से बता सकते हैं कि ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स हैं, अगर आपको कहीं पर भी हैवियर एलिमेंट दिखाई दे और उसके साथ कोई लाइटर एलिमेंट जुड़ा हुआ दिखाई दे, तो मतलब उनके बीच में क्या बन सकता है, डी पाई पी पाई बॉन्ड बन सकता है। ये जो जो डी पाई पी पाई बॉन्डिंग है, इसके बारे में कैसे पता चलता है, तो इसके बारे में पता चलता है एक बहुत स्ट्रांग टूल है जिसे हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, उसकी हेल्प से हमें पता चलता है कि डी पाई पी पाई बॉन्ड है या नहीं है किसी पर्टिकुलर स्पीसीज में। ओके, सो द डी पाई पी पाई बॉन्डिंग इन अ मॉलिक्यूल कैन बी कन्फर्म्ड बाय मेजरिंग बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जीज यूजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हम क्या करते हैं कि अगर बॉन्ड लेंथ हमें पता चल जाए तो हमें पता चल जाता है कि डी पाई पी पाई बॉन्डिंग हुई है या नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि अगर बॉन्ड की शॉर्टनिंग होगी, आप जानते हैं डी पाई पी पाई बॉन्ड का मतलब है कि पाई बॉन्डिंग यानी मल्टीपल बॉन्डिंग, अगर मल्टीपल बॉन्डिंग होगी तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो नॉर्मल बॉन्ड लेंथ होगी उससे अगर बॉन्ड लेंथ कम आ रही है तो मतलब वहां पर डी पाई पी पाई बॉन्डिंग है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमने यहां पर एग्जाम्पल दिया है, ये जो आयन्स हैं फॉस्फोरस का, सल्फर का, क्लोरीन के आयन से हैं। यहाँ पर आप देखिए एक्स, एक्स मतलब पी और ओ के बीच की डिस्टेंस, एस और ओ के बीच की डिस्टेंस, सी एल और ओ के बीच की डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस हैं ये ऑब्जर्व्ड डिस्टेंस हैं जिनको एक्सपेरिमेंटली देखा गया। तो ये जो डिस्टेंस आई 1.54, एस और ओ के बीच में जो डिस्टेंस आई वो 1.49, और सी एल ओ के बीच में जो डिस्टेंस आई 1.46 जो देखी गई। लेकिन जब एस्टीमेट किया गया, इसको जो एस्टिमेटेड वैल्यू होती है, अगर मैं सिंगल बॉन्ड की बात करूं तो वो पी और ओ की जो सिंगल बॉन्ड की डिस्टेंस है 1.71 होती है, एस और ओ के बीच की 1.69 होती है, और सी एल ओ के बीच की जो है 1.68 होती है। तो अगर मैं सिंगल बॉन्ड की बात करती तो ये उनकी बॉन्ड लेंथ होती, लेकिन जो एसटी जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो इतनी आती है, मतलब होनी तो इतनी चाहिए थी, लंबी होनी चाहिए थी, लेकिन वो बॉन्ड लेंथ कितनी आती है, छोटी आती है। मतलब यहाँ पर डी पाई पी पाई बॉन्ड बन रहा है जिसकी वजह से मल्टीपल बॉन्ड करेक्टर आ गया है और इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, छोटी हो गई है। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसा टूल है जिसकी हेल्प से हमें पता लगता है कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड में डी पाई पी पाई बॉन्डिंग हो रही है। डी पाई पी पाई बॉन्डिंग के हिसाब से हम ये भी बता सकते हैं कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग है और कौन सा वीक होगा। देखिए, हम अमीन ऑक्साइड्स की अगर बात करें तो अमीन ऑक्साइड्स जो होते हैं दे आर मोर बेसिक, ये अधिक बेसिक होते हैं और लेस स्टेबल होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो
ऑक्सीजन को ये आसानी से दे सकता है, क्योंकि ये जो लोन पेयर है ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता। ओके, तो यहाँ पर जो करेक्टरिस्टिक होती है वो सिंगल बॉन्ड करेक्टरिस्टिक होती है। तो इस बॉन्ड की जो एनर्जी है वो लगभग 200 से 300 किलो जूल पर मोल होती है, जो सिंगल बॉन्ड के लिए होती है। लेकिन अगर मैं फॉस्फिन ऑक्साइड्स की बात करूँ तो फॉस्फिन ऑक्साइड्स में क्या होता है, जो पी और ओ के बीच की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, कम होती है, और इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो लगभग 500 से 600 किलो जूल के बराबर होती है पर मोल, जो कि डबल बॉन्ड की एनर्जी कहलाती है। तो इसका मतलब है फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में डी पाई पी पाई बॉन्डिंग हो रही है फॉस्फिन ऑक्साइड्स में, जबकि अमीन ऑक्साइड्स में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में डी पाई पी पाई बॉन्डिंग नहीं होती है। इसलिए जो इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये आसानी से डोनेट कर सकता है, लेकिन फॉस्फोरस का जो जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो डोनेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करने में, पाई बॉन्डिंग, डी पाई पी पाई बॉन्ड बनाने में हेल्पफुल होता है। ओके, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि ये जो पी ऑर्बिटल है, देखिए ये पी ऑर्बिटल क्या करता है, यहाँ पर क्या करता है, किस तरीके की ओवरलैपिंग करता है, साइड वेज ओवरलैपिंग करता है। एक्चुअली यहाँ पर हम बैक बॉन्डिंग की बात कह सकते हैं, अभी आपको और भी आगे दिखाऊंगी मैं कि बैक बॉन्डिंग को भी हम क्या कहते हैं, पाई बॉन्डिंग कहते हैं। बिल्कुल फॉस्फिन ऑक्साइड की तरह कॉनेक्ट करता है, फॉस्फोरस हैलाइड्स करते हैं, जहां पर इस CH2 की जगह पर क्या होता है, ऑक्सीजन। तो बिल्कुल इन द सिमिलर वे ये जो फॉस्फिन ऑक्साइड्स हैं ये किसकी तरह एक्ट करते हैं, फॉस्फोरस एलाइड्स की तरह करते हैं, और ये जो है वो अधिक स्टेबल है, क्योंकि ये बॉन्ड एनर्जी क्या है, हाई है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग होती है। और फॉस्फिन ऑक्साइड है, इसमें पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये देखिए ऑक्सीजन है और ये फॉस्फिन लिगेंड है। ओके, तो ये जो ऑक्सीजन है ये अपना फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पी को डोनेट करके क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम बैक बॉन्डिंग कहते हैं। ओके, तो इस बैक बॉन्डिंग के थ्रू ही डी पाई पी पाई का फॉर्मेशन होता है, जो जो पी जो फॉस्फिन है उसका जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल होता है वो एम्प्टी होता है, वो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को बैक बॉन्ड करके क्या करता है, यहाँ पर डी पाई पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और ये जो बॉन्ड होता है ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है, और इसमें जो बॉन्ड एनर्जी है वो 500 टू 600 किलो जूल पर मोल होती है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द दैट पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो वो कौन से फैक्टर हैं जो पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं, और वो कौन सा एक फैक्टर है, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कैसे अफेक्ट करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखिए जो पी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स। अगर फॉस्फोरस के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए होंगे तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, और जैसे जैसे ये सब्स्टिट्यूएंट हम रिप्लेस करेंगे, किससे हम रिप्लेस करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से हैं, रिलीजिंग ग्रुप से हैं, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूं। देखिए एक एग्जांपल मेरे पास है, पी डबल बॉन्ड ओ और इसके साथ क्या जुड़े हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। ओके, तो तीन एफ जुड़े हुए हैं, और दूसरा मैं एग्जांपल ले रही हूं जहां पर एम ई जुड़े हुए हैं, पी के साथ क्या जुड़े हैं, CH3 ग्रुप्स। तो तीन CH3 ग्रुप्स की क्या टेंडेंसी होगी, देखिए जो विथड्रॉइंग ग्रुप्स हैं उनकी टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स को विथड्रॉ करने की होगी। तो ये क्या करेंगे, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के ऊपर है उसको और इधर शिफ्ट करेंगे, इसकी वजह से इसको क्या करेंगे, इस बॉन्ड को स्ट्रेंथन करेंगे। ओके, अब आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, दूसरे एग्जांपल में ये जो CH3 ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, और ये क्या करेंगे, इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट करेंगे, इस तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड करेक्टर आएगा। तो अगर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड करेक्टर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और यहाँ पर स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ेगी।
पाएगी। जितनी अधिक स्ट्रेंथ होगी उतना जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पर बॉन्ड लेंथ कम होगी, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्ट्रेंथ बढ़ गई है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और यहाँ पर Ne3PO में स्ट्रेंथ कम हो गई। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जो है वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाएगी तो स्ट्रेंथ भी कम होती जाएगी, या हम कह सकते हैं जो बॉन्ड की जो लेंथ है वो बढ़ती जाएगी, जिसे हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से स्टडी कर सकते हैं। क्लियर करेंगे कि पाई बॉन्डिंग हैवियर एलिमेंट्स में और लाइटर एलिमेंट्स में किस तरीके से डिफरेंट होती है। ओके, तो अगर मैं एक ग्रुप के तीन मेंबर लूँ, फास्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, तो ये देखने को मिला है कि जो लाइटर एलिमेंट है यहाँ पर फास्फोरस है, तो इसकी टेंडेंसी पाई बॉन्ड बनाने की अधिक होती है, AS और SP की कम होती है। तो टॉप टू बॉटम जाने पर ये जो टेंडेंसी है ये क्या होती है, कम होती है। होता क्या है, जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं उनके जो d इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो s और p इलेक्ट्रॉन से कम्प्लीटली शील्डेड होते हैं। ओके, और दूसरा क्या होता है, जो d ऑर्बिटल होता है उसका साइज बहुत बड़ा होता है, इसलिए जो है वो उसकी ओवरलैपिंग इतनी अच्छी नहीं होती। एक तो क्या होता है कि d ऑर्बिटल जो है वो उसकी एनर्जी बहुत हाई होती है, और जो s और p इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, बहुत कम होती है। तो अधिक एनर्जी और कम एनर्जी इनके बीच में जो ओवरलैपिंग होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती है। डी ओवरलैपिंग किसके बीच में होती है, जिनकी एनर्जी लगभग बराबर होती है। तो डी ऑर्बिटल की एनर्जी बहुत अधिक है और एस और पी और इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो बहुत कम है, इसलिए इनके बीच में जो ओवरलैपिंग है वो इफेक्टिव नहीं होती है। इसलिए जो डी इलेक्ट्रॉन्स हैं दे डू नॉट फील द न्यूक्लियर चार्ज एच मच एज एस एंड पी इलेक्ट्रॉन। इसीलिए जो डी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दूर होते हैं, उनकी एनर्जी हायर होती है, इसलिए वो उतना न्यूक्लियर चार्ज फील नहीं करते जितना एस और पी इलेक्ट्रॉन करते हैं। ओके, तो एक कुल मिला के ये हम कह सकते हैं कि बहुत अधिक एनर्जी होने की वजह से डी ऑर्बिटल और एस और पी ऑर्बिटल के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती है, इसलिए डी पाई पी पाई बॉन्ड ये उतना अच्छा नहीं बनाते हैं जितना लाइटर एलिमेंट। देखिए जो हैवियर एलिमेंट है उनका साइज बड़ा है, उनमें डी ऑर्बिटल आ गए, डी ऑर्बिटल की शील्डिंग कम होती है, और उनकी जो डी शील्डिंग जो उनकी शील्डिंग कम होती है उसकी वजह से वो बहुत अच्छा बॉन्ड नहीं बना पाते, इसलिए वो क्या करते हैं, अच्छी पाई बॉन्डिंग नहीं करते हैं। तो लाइटर एलिमेंट्स अच्छी पाई बॉन्डिंग कर पाते हैं। पाई पी पाई बॉन्डिंग होती है उसको हम कोरिलेट कर सकते हैं मॉलिकुलर ज्योमेट्री से। जैसा आप जानते ही हैं कि जहां पर डबल बॉन्ड होता है वहां पर ज्योमेट्री कैसी होती है, वहां पर ज्योमेट्री होती है प्लेनर। अभी आपने पढ़ा है, आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी पढ़ा हुआ है कि जहां पर डबल बॉन्ड आएगा वहां पर प्लेनर ज्योमेट्री होगी। ये एग्जाम्पल से भी हम देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये देखिए डाइथाइल ईथर है, डाइथाइल ईथर CH3OCH3, जहां पर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन जो है एक लाइटर एलिमेंट है, सी और ओ दोनों ही, तो दोनों के बीच में डी पाई पी पाई बॉन्डिंग नहीं होती है, इसलिए इसका शेप कैसा होता है, बेंट। और जो ऑक्सीजन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है, sp3। ओके, इस sp3 की वजह से इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, बेंट ज्योमेट्री होती है। लेकिन अगर हम साइलोक्जेन देखेंगे तो साइलोक्जेन के केस में क्या होता है, देखिए ये SiCH3 है, ये SiH3 है, ये भी SiH3 है, तो हमने क्या किया है कि C की जगह पर SI रखा है, ठीक है। तो SI और O के बीच में क्या बनता है, डी पाई पी पाई बॉन्ड बनता है। देखिए ये ऑक्सीजन का P ऑर्बिटल है और ये जो है SI के D ऑर्बिटल है। तो देखिए जो इसका D ऑर्बिटल है ये पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैप कर रहा है, ये D ऑर्बिटल नेगेटिव नेगेटिव ओवरलैप कर सकता है साइडवेज, ये जो है वो इस SI के D ऑर्बिटल के साथ साइडवेज ओवरलैपिंग कर सकता है, ये नेगेटिव नेगेटिव ओवरलैपिंग हो सकती है। फॉर्मेशन ऑफ दिस पाई बॉन्ड, इस पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, ये इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाती है, प्लेनर हो जाती है। आपको इस ज्योमेट्री को फिर से बना के दिखाऊंगी बच्चों। यहाँ पर क्या होता है, देखिए जैसे ये ऑक्सीजन है, ओके, ऑक्सीजन में ये क्या है, पी ऑर्बिटल है ऑक्सीजन का, इस ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल, और ये देखिए SiH3 है, ओके, एक SiH3 है, तो ये इसका क्या है, डी ऑर्बिटल है, ओके,
और ये दूसरा SiCH3 है। इस SiH3 में भी क्या है, इसी तरीके से आप देखेंगे इसमें भी क्या है, डी ऑर्बिटल एम्प्टी है। ओके, तो इस तरीके से ये क्या करेगा कि ये जो है वो इस तरीके से साइडवेज ओवरलैपिंग करेगा, कभी इसके साथ कभी इसके साथ करेगा। ओके, तो ये जो साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है इसकी वजह से आप देखेंगे कि इसमें कुछ इस तरीके का बॉन्ड करेक्टरिस्टिक, हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं SiH3। ओके, और यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज और SiH3, क्योंकि ये ऑक्सीजन क्या करता है, इस SI के ऊपर क्या आ गया नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन का ये क्या होता है, दिस इज फील्ड ऑर्बिटल। तो इसका जो फील्ड ऑर्बिटल है ये इस SI के MTD ऑर्बिटल को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो इस तरीके से डबल बॉन्ड कभी यहाँ होगा, कभी ये डबल बॉन्ड यहाँ होगा। तो ये इस तरीके से क्या होता है कि यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, बॉन्ड एंगल हो जाएगा 144 का, और जबकि यही बॉन्ड एंगल अगर ये सिलिकॉन की जगह पर कार्बन है तो यहाँ पर ये बॉन्ड एंगल कितना है, 111 है। तो बॉन्ड एंगल चेंज हो गया क्योंकि ये फ्लैटन हो गया, थोड़ा सा ये प्लेनर हो गया। प्लेनर में कितना एंगल होता है, 120। और ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, देखिए sp2, क्योंकि ऑक्सीजन क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है। एक बॉन्ड तो ये सिग्मा बनाता है इसके साथ, और दूसरा बॉन्ड क्या बनाएगा, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये क्या है, पाई बॉन्ड है। तो ये डबल बॉन्ड करेक्टरिस्टिक की वजह से जो ऑक्सीजन है उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या हो जाएगा, sp2, और ये कैसा हो जाएगा, प्लेनर। तो कहीं पर भी अगर प्लेनर ज्योमेट्री है मतलब वहां पर पाई बॉन्डिंग हो सकती है। अगर हम ज्योमेट्री की बात करते हैं तो देखिए ये SiH3 होल थ्राइस N। अब यहाँ पर एक तो हम ज्योमेट्री पढ़ते थे, देखिए ये अगर मैंने मिथाइल ग्रुप लिया, ट्राइमिथाइल एमीन है और ट्राइसाइलाइल अमीन है। ओके, तो ट्राइसाइलाइल अमीन जो है उसकी ज्योमेट्री, और ये देखिए GE, हमने यहाँ पर C को GE से रिप्लेस किया और SI से, तो यहाँ पर जो ज्योमेट्री है SI3N की वो क्या है, प्लेनर, GE3N की प्लेनर है। जबकि जो जो नाइट्रोजन में अगर हम यहाँ पर मिथाइल ग्रुप ले लिया तो ये कैसे है, पिरामिडल शेप है। तो देखिए ये नाइट्रोजन स्मॉलर लाइटर एलिमेंट और SI क्या है, ये हैवियर एलिमेंट है। तो इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग बनेगी। ऐसे ही आप देख सकते हैं GG एक हैवियर नॉन ट्रांजिशनल एलिमेंट है और N जो है एक क्या है, लाइटर एलिमेंट। तो इनके बीच में डी पाई पी पाई बॉन्डिंग होगी। तो क्योंकि ये डी पाई पी पाई बॉन्डिंग है इसलिए यहाँ पर कैसी ज्योमेट्री होगी, प्लेनर, जबकि यहाँ पर जो ज्योमेट्री है वो क्या होती है, पिरामिडल होती है। ओके, तो नाउ आई विल शो यू द ज्योमेट्री। अब यहाँ पर देखिए ये जो सेंटर में दिखाया है, दिस इज द पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल है, ये नाइट्रोजन है। ओके, और इसके साथ तीन जो है वो साइलाइल ग्रुप जुड़े हैं, SiH3 SiH3 SiH3। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरीके से अरेंज है। देखिए ये देखिए इनका साइडवेज ओवरलैप। ओके, ये देखिए इनका साइडवेज ओवरलैप, और ये जो जो ये वाला जो ऑर्बिटल है ये समझ लीजिए इसके पीछे है, और ये क्या करेगा, ये इस तरीके से साइडवेज ओवरलैप इसके साथ करेगा। ओके, ये साइडवेज ओवरलैपिंग इसमें होगी। तो इस तरीके से जो तीनों ग्रुप्स हैं वो क्या करते हैं, इसके साथ साइडवेज ओवरलैपिंग करते हैं, और देखिए पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ये जो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है SI को, क्योंकि इसके पास क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं। इस तरीके से ये डबल बॉन्ड यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, जिसको हम डी पाई पी पाई बॉन्ड कहते हैं। ओके, और यहाँ पर देखिए आप ये जो ज्योमेट्री है ये पिरामिडल शेप क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बैक बॉन्डिंग नहीं है, सी जो है वो कोई एम्प्टी ऑर्बिटल इसके पास नहीं है, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो डी पाई पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है, और ज्योमेट्री कैसी होती है, यहाँ पर पिरामिडल होती है। ये जो ऑर्बिटल है ये नाइट्रोजन का फील्ड ऑर्बिटल है, और ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं ये सिलिकॉन के एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स हैं। तो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग होती है, ये फील्ड ऑर्बिटल इनके एम्प्टी ऑर्बिटल को क्या करता है, बैक डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम कुछ इस तरीके से भी देख सकते हैं, देखिए एन है,
एन में एक जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ओके, एक सी एस आई सी एस थ्री ये जुड़ा हुआ है इसके साथ और एक एस आई सी एस थ्री ये जुड़ा हुआ है इसके साथ और एक एस आई सी एस थ्री ये जुड़ा, देखिए प्लेनल स्टाइल में जुड़ा हुआ है और इसके पास क्या है यहाँ पर एम टी डी ऑर्बिटल है ओके। तो ये देखिए यहाँ पर क्या होगा साइडवेज ओवरलैपिंग, ये इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा पाई बॉन्ड बनेगा। तो इस तरीके से हम इसको स्ट्रक्चर को ये तीनों पाई बॉन्ड जो है वो तीनों साइड हो सकते हैं, तो हम इसको कुछ इस तरीके से शो कर सकते हैं एस आई एस थ्री एस आई एस थ्री और एस आई एच थ्री ओके। तो यहाँ पर क्या है ये देखिए ये तीनों के बीच में डबल बॉन्ड इस तरीके से डिलोकलाइज है कि ये कैसी आ गई देखिए प्लेनर सिचुएशन आ गई। यहाँ पर नाइट्रोजन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है क्योंकि यहाँ पर क्या है डबल बॉन्ड, देखिए एक सिग्मा दो सिग्मा तीन सिग्मा, सो हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है एक्चुअली ड्यू डबल बॉन्ड इट बिकम्स दिस इज sp2 टाइप हाइब्रिडाइजेशन ओके। पर हम बैक बॉन्डिंग की वजह से इसको क्या कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन एटम, जबकि ये जो नाइट्रोजन एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, यहाँ पर कोई भी बैक बॉन्डिंग नहीं होती है तो यहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इसलिए ये कैसा दिखाई देता है ये दिखाई देता है प्लेनर टाइप्स होता है। यहाँ पर देखिए आप एक सिग्मा दो सिग्मा तीन सिग्मा, तो तीन सिग्मा बॉन्ड बना रहा है क्योंकि इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है जबकि यहाँ पर नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी ये पिरामिडल शेप है और ये प्लेनर शेप है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पर जो नाइट्रोजन है और सिलिकॉन है इनके बीच में डी पाई पी पाई बॉन्ड बन रहा है। होता क्या है कि कुछ केसेस में ज्योमेट्री डिसाइड नहीं करती है कि डी पाई पी पाई बॉन्ड सिस्टम में है, तो वो कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर नाइट्रोजन की जगह पर फास्फोरस रख दिया या आर्सेनिक रख दिया, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों के दोनों क्या है नॉन हैवियर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, तो हम जानते हैं कि ये दोनों के दोनों नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं लेकिन यहाँ पर पी पाई डी पाई होता है लेकिन ये तब भी क्या होते हैं पिरामिडल शेप के होते हैं। और अगर आप इन दोनों की एग्जाम्पल की बात करेंगे तो ये दोनों एग्जाम्पल्स कैसे होते हैं ये बेंट शेप है जबकि इनमें भी क्या होता है डी पाई पी पाई बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि पी और ए एस, जो पी और ए एस है ये हैवियर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, तो ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो उतना आसानी से नहीं बनाते हैं जितना आसानी से क्या बनाता है जो यहाँ पर लाइटर एलिमेंट होता है, तो इस वजह से इनके ऊपर हाइब्रिडाइजेशन क्या रह जाता है एस पी थ्री। इस एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन की वजह से ये कैसे हो जाते हैं पिरामिडल शेप के हो जाते हैं। तो यहाँ पर डी पाई पी पाई बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग नहीं होती है, इस वजह से ये दोनों नॉन हैवियर ट्रांजिशन एलिमेंट होने की वजह से इनमें बैक बॉन्डिंग नहीं होती है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है sp3। जबकि यहाँ पर जब नाइट्रोजन होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp2, इसलिए यहाँ पर जो जो वो है जो यहाँ पर जो शेप है वो क्या हो जाता है प्लेनर हो जाता है अगर यहाँ पर नाइट्रोजन होता। सम एग्जाम्पल्स वेयर यू विल फाइंड द डी पाई पी पाई बॉन्डिंग, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे थायजाइल ट्राईफ्लोराइड है इसको मैंने आपको बता दिया है, देन ये देखिए फॉस्फेट ट्राइजीन है जहाँ पर डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड डी पाई पी पाई है, साइलाइल आइसोथाइसाइनाइड जहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी डी पाई पी पाई बॉन्ड होगा बैक बॉन्डिंग होगी, जबकि यही अगर मैं मिथाइल आइसोसाइनाइड लूँ तो वो क्या होता है बेंट शेप होता है इस जगह पर। तो यहाँ पर ये जो लीनियर शेप होने की वजह क्या है डी पाई पी पाई बॉन्डिंग है, देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड बन रहा है। और अगर मैं टेट्रा सल्फर टेट्रा नाइट्राइट की बात करूँ तो यहाँ पर भी सल्फर और नाइट्रोजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो कैसा है डी पाई पी पाई बॉन्ड है। तो ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं डी पाई पी पाई बॉन्ड के, इनमें भी डी पाई पी पाई बॉन्ड होता है और जहाँ पर भी डी पाई पी पाई बॉन्ड होगा वहाँ पर क्या होगा लगभग प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। कंक्लूड द लेक्चर, अब हम कंक्लूड करेंगे लेक्चर को और इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा बच्चों, इसमें हमने पढ़ा अबाउट द डी पाई पी पाई बॉन्ड। तो डी पाई पी पाई बॉन्ड को पढ़ने से पहले हमने पढ़ा कि पी पाई बॉन्ड क्या होता है। तो पी पाई बॉन्ड क्या है, जब वो पी और पी ऑर्बिटल के बीच में जब पाई बॉन्ड बनता है तो वहां पर जो बॉन्ड बनता है वो क्या है पी पाई, एंड दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द बॉन्ड्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स दैट आर हैविंग पी पाई बॉन्ड।
क्योंकि इससे हमें बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी पता चलती हैं कि ये इनका स्ट्रक्चर ऐसा प्लेनर क्यों है, क्योंकि उनमें क्या है, पाई बॉन्ड पाया जाता है। जो कि डी पाई पी पाई बॉन्ड क्या है, कैसे बनता है, ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जहाँ पर डी पाई पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और ये जो डी पाई पी पाई बॉन्ड है वो पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल के बीच में साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है। और जो डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, स्पेशली मेटल के हैवियर एलिमेंट के, वो क्या होते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे जहाँ पर हमने क्या पढ़ा, डी पाई पी पाई बॉन्ड कहाँ पर और कितने होते हैं। जैसे हमने सल्फर ट्राइऑक्साइड पढ़ा, देन हमने जीनोन के कंपाउंड्स पढ़े जहाँ पर आपने देखा कि पी पाई बॉन्डिंग भी होती है और डी पाई पी पाई बॉन्डिंग भी होती है। ऐसी आपने XeO2F2 पढ़ा, देन XeO4 पढ़ा। तो जीनोन के कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पर डी पाई पी पाई बॉन्डिंग होती है। देन हमने PO4 नेगेटिव, अच्छा हमारा रह गया था, तो PO4 नेगेटिव आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए जो ऑक्सीजन है वहाँ पर चार ऑक्सीजन है, लेकिन तीन ऑक्सीजन कैसे नेगेटिवली चार्ज, तो आप देख सकते हैं देर आर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विद दिस ऑक्सीजन एटम। तो क्या होगा, जो फॉस्फोरस के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अनपेयर होंगे, और अनपेयर होने के बाद जो जो डबल बॉन्ड बनना है वो केवल एक बनना है, तो एक ऑर्बिटल को छोड़कर बाकी क्या होंगे, हाइब्रिडाइज होंगे। और बाकी हाइब्रिडाइज होने के बाद जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या आएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और ये sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ, ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ, ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ, और एक ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनेगा। एंड देन जो ये जो ऑर्बिटल है ये क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा विद दिस पी ऑर्बिटल। तो ये कैसा जो बॉन्ड है, ये है डी पाई पी पाई बॉन्ड। ओके, तो इस केस में कितने होंगे, 1 डी पाई पी पाई बॉन्ड, एक होगा यहाँ पर। ओके, तो इस तरीके से हम किसी भी मॉलिक्यूल में डी पाई पी पाई बॉन्ड को काउंट कर सकते हैं। जैसे SO4 नेगेटिव में कितने डी पाई पी पाई थे, 2 डी पाई पी पाई। देन CLO4 नेगेटिव में कितने थे, 3 डी पाई पी पाई बॉन्ड्स। ओके, देन F3PO में कितने थे, 1 डी पाई पी पाई बॉन्ड। देन हमने NSF3 एग्जाम्पल पढ़ा जहां पर 2 डी पाई पी पाई बॉन्ड्स थे। ओके, फिर हमने देखा कि जो ये डी पाई पी पाई बॉन्ड्स हैं इनके बारे में हमें IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से पता चलता है, क्योंकि अगर ये बॉन्ड लेंथ कम है मतलब वहां पर डी पाई पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ होगा। फिर हमने देखा बच्चों की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो बेसिक नेचर है अमीन ऑक्साइड में, और अगर हम फॉस्फिन ऑक्साइड में डिफरेंस देखेंगे तो ये जो अमीन ऑक्साइड है लेस स्टेबल होते हैं, फॉस्फिन ऑक्साइड मोर स्टेबल होते हैं। इन फॉस्फिन ऑक्साइड दे आर स्टेबल एज मच एज फॉस्फोरसिलाइड्स, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है और उसकी एनर्जी जो है वो काफ़ी हाई होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर हमने इफेक्ट देखा तो क्या देखा कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप बढ़ते हैं फॉस्फोरस के साथ, तो फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ती है। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऐड होता है तो स्ट्रेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी। देन हमने पढ़ा कि जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो टेंडेंसी होती है डी पाई पी पाई बॉन्ड बनाने की वो कम होती है, क्योंकि डी जो है उसकी एनर्जी बहुत अधिक होती है और एस और पी की एनर्जी क्या होती है, कम होती है, तो वो ओवरलैपिंग उतनी अच्छी नहीं होती। देन हमने पढ़ा कि जो मॉलिकुलर ज्योमेट्री होती है एंड बॉन्ड एंगल, उनको हम डी पाई पी पाई बॉन्ड से कोरिलेट कर सकते हैं, कि अगर जो डी पाई पी पाई बॉन्डिंग नहीं है तो शेप जनरली बेंट या फिर पिरामिडल हो सकता है, हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम पर sp3 होगा, और अगर डी पाई पी पाई बॉन्ड होगा तो ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए, प्लेनर होनी चाहिए, और जनरली वहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन आपको मिलेगा वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन मिलता है। एग्जाम्पल्स हमने देखे थे जहाँ पर नाइट्रोजन हमने यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप था उसको अगर हम जी और SI से रिप्लेस कर दें तो ये प्लेनर है, और जबकि जो ट्राई मिथाइल अमीन है वो कैसा है, पिरामिडल शेप का है। और ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पर डी पाई पी पाई बॉन्डिंग नहीं होती है। देन आपको मैंने यहाँ पर यही दिखाया था कि किस तरीके से डी पाई पी पाई बॉन्डिंग होती है, और नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज हो जाता है जहाँ पर बॉन्डिंग जो है वो डी पाई पी पाई होती है।
फिर हमने कुछ केस पढ़े जहां पर हमने देखा कि बॉन्ड एंगल और ज्योमेट्री पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है डी पाई पी पाई बॉन्ड का। तो वहां पर हमने देखा जब दो ऐसे एलिमेंट पास होंगे तो उनके बीच में डी पाई पी पाई बॉन्ड उतना मजबूत नहीं होगा बल्कि नहीं बनेगा, उस वजह से इनकी ज्योमेट्री प्लेनर नहीं होती है। ओके, एंड देन वी हैड सीन सम एग्जांपल्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैविंग डी पाई पी पाई बॉन्ड। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द डी पाई पी पाई बॉन्ड। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द बेंट रूल एंड एनर्जेटिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल में आपको ये डी पाई पी पाई बॉन्ड समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये डिफरेंट है पी पाई बॉन्ड से और कैसे ये ज्योमेट्री को कोरिलेट करता है किसी मॉलिक्यूल की। ओके, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेंट रूल के बारे में। तब तक के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।